हेलो बच्चों, मैं कुनाल बंसल आप लोगों का बी बेटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ ली है अब तक, लोकस और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप एक बार वो वीडियोस के थ्रू एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ताकि ये जो कंसेप्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आज हम लोग दो चीज़ें जो हमने पढ़ी है, लोकस और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, इनको हम मर्ज करने वाले। तो लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीख लिया है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कैसे करते हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन होने के बाद न्यू कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हमें इन दोनों कंसेप्ट को मर्ज करना है। तो मर्ज कैसे करेंगे, तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोगों को एक इक्वेशन दी है, दिस इज द इक्वेशन गिवन। अब ये जो इक्वेशन दी है ये एक्स और वाई के टर्म्स में दी है, जहाँ पे ओरिजिन जो है ओरिजिन इनिशियली 0,0 पर है, बट अगर ये शिफ्ट हो जाता है टू द न्यू ओरिजिन 3,4, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म होगी, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दी है, हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स के टर्म में फाइंड करनी है। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखा था, कैपिटल एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इज वाई माइनस के। कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इज वाई माइनस के, ठीक है। तो अब हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में इक्वेशन ढूंढनी है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में इक्वेशन दी गई है। तो पहले यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज ढूंढते हैं। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किस चीज़ की है, एच, और ये वैल्यू किस चीज़ की है, के। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएंगी एक्स प्लस एच, एच कितना है 3 एंड स्मॉल वाई विल बी वाई प्लस के, के कितना है 4। तो ये x और y की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। कैपिटल x की वैल्यू क्या है, स्मॉल x की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस स्मॉल y की वैल्यू क्या है, y प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 8 इंटू वाई प्लस 4 माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में दी थी, मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, अब हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में फाइंड करने। तो पहले हम लोग ने एक्स और वाई की वैल्यूज ढूंढी, एक्स इज गिवन एज एक्स प्लस एच एंड वाई इज गिवन एज वाई प्लस के, तो वैल्यूज यहाँ पर हम लोगों ने पुट की। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab a square plus 2ab plus b square, यहां पे a square plus 2ab plus b square ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों, माइनस 6x माइनस 18, माइनस 8y भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 8y माइनस 32 माइनस 11 इक्वल टू 0। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं, ये जो प्लस 6x है ये माइनस 6x के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8y माइनस 8y के साथ कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, 25, तो प्लस 25, नेगेटिव वाले टर्म सारे ऐड करते हैं, माइनस 18 माइनस 32 कितना है बच्चों, माइनस 50 माइनस 50 माइनस 11 माइनस 61 इक्वल टू 0। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
minus 36 equal to 0. So this is your required equation of locus in terms of new coordinates. तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ओरिजिन शिफ्ट करने का एक मेन पर्पस क्या होता है, इक्वेशन को सिंपलीफाई करना. ये जो इक्वेशन थी ये थोड़े से ज्यादा टर्म्स थे इसके अंदर, टोटल अगर हम लोग देखें तो 5 टर्म्स इन्वॉल्व थे इसके अंदर, लेकिन अब जब इसकी ओरिजिन शिफ्ट कर दी गई 3.4 पे तो ये इक्वेशन 3 इसमें कन्वर्ट हो गया. जब आगे जाके आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 3.4. तो मैंने बेसिकली किया क्या है, जो सेंटर 3.4 पे था उसी सेंटर को ओरिजिन में कन्वर्ट कर दिया. तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन. तो ये कॉन्सेप्ट्स डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट फिलहाल बेसिकली ये ध्यान में रखो कि अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में इक्वेशन दी है, न्यू कोऑर्डिनेट्स के टर्म में फाइंड करनी है, तो पहले स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज ढूंढो. स्मॉल एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई के लिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वाई. इक्वेशन में जो एक्स और वाई दिया है उसको पुट कर दो. ठीक है, तो हम लोग चाहे तो इसके स्टेप्स भी लिख सकते हैं, स्टेप्स में यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ध्यान दो. पहले क्या करना है, स्मॉल एक्स की वैल्यू ढूंढनी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स, दैट इज एक्स प्लस एच. स्मॉल वाई के लिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वाई, वाई प्लस के. सेकेंडली क्या करना है, पुट इन गिवन इक्वेशन. एक बार इक्वेशन में पुट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो बस ये तीन स्टेप्स फॉलो करना है, तीन स्टेप्स फॉलो करोगे एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो यही तीन स्टेप्स हमें यूज करना है, इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स. समझ आ गया आपको. अब हम दूसरा कंसेप्ट की तरफ मूव होंगे. दूसरा कंसेप्ट क्या है, तो अब इसमें क्या दिया है, ये इक्वेशन दी है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, ये इक्वेशन दी है न्यू कोऑर्डिनेट्स के टर्म में. तो यहां पे मिसिंग क्या है, मिसिंग है कि ओरिजिन एक्चुअली शिफ्ट कहां पे हुआ था. तो वही हमारा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना है कि जो ओ डैश है वो कहां पे है, एच की वैल्यू क्या है और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए तो पहले तो दोनों इक्वेशंस का नेचर देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का नेचर देखो. ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू जीरो, इसके अंदर x और y के टर्म्स ही नहीं है, तो हमें ये टर्म्स को एलिमिनेट करना. ये टर्म्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिखते हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, तो वही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है. ये ए स्क्वायर माइनस 2ab है, यहाँ पे b स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है. तो b स्क्वायर वाला टर्म करते कैसे, फाइंड कैसे करते हैं, तो ये जो x का जो कोएफिशिएंट है 8, इसका हाफ करना है, 8 का हाफ 4, 4 स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड. तो हम लोग यहाँ पे 4 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर और इज इक्वल टू के दूसरे तरफ भी 4 स्क्वायर. सेम y के लिए करना है, y का कोएफिशिएंट क्या है 10, 10 का हाफ कितना होता है 5, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस फाइव स्क्वायर इक्वल टू फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर. मैंने क्या किया, फोर स्क्वायर ऐड किया दोनों तरफ, फाइव स्क्वायर ऐड किया दोनों तरफ. उसके पीछे रीजन क्या था, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना. और कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों करना, क्योंकि वहां पर एक्स और वाई के टर्म्स है ही नहीं, वहां पर स्क्वायर के टर्म्स में. अब ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस फोर द होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस फाइव द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 इज 41. तो इसे अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, इस इक्वेशन से इसको यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41. तो इसको अगर इससे कंपेयर करते हैं
तो कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस फोर एंड कैपिटल वाई इज वाई माइनस फाइव। तो इसको अगर हम हमारे फॉर्मूला से x माइनस एच और y माइनस k से कंपेयर करते हैं तो h की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों, इट शुड बी 4 और k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इट शुड बी 5। h शुड बी 4 एंड k शुड बी 5। सो दीज आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स है जहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट हुआ था। अब इसके अंदर कोई एक स्पेशल मेथड नहीं होता, ये हम लोगों को खुद डिराइव करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन किस टर्म में। सिर्फ ध्यान में रखो कि कौन सा टर्म हमें हटाना है। यहाँ पे मुझे एक्स और वाई के टर्म्स हटाने थे इसीलिए मैंने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट किया। मैक्सिमम टाइम्स यही मेथड यूज होता है, ये बहुत ही फेमस मेथड है इसीलिए मैंने ये यूज किया। तो दो चीजों को हम लोग ने लिंक कर दिया है। पहला क्या था, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हमने पढ़ा था, लोकस पढ़ा था, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो और एक कंसेप्ट होता है दैट इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो रोटेशन ऑफ एक्सिस जरूरी नहीं है, बोर्ड्स में इसके क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पर रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ना जरूरी है, सॉरी हम रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे। रोटेशन ऑफ एक्सिस का भी मेन पर्पस यही होता है कि वो आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देता है। तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो बेटर है कि आप नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उससे पहले आपका थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लो, बेसिक से फॉर्मूले साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लें। तो अभी आप ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन को लोकस के अंदर जो मर्ज किया है, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।